आखिर वीडियो देखने, शर्म तो आई नहीं होगी बिना सब्सक्राइब किए वीडियो देखे जा रहे हो। थोड़ी सी शर्म कर रहे हो यार, डेली वीडियो डाल रहा हूँ इतने ओपी कंटेंट, और तुम सभी लोग जो हो वो बिना सब्सक्राइब किए ही देखे जा रहे हो। काम करो, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, 10K सब्सक्राइबर के बहुत ही ज्यादा क्लोज है। आप सभी लोग जल्दी से सब्सक्राइब करो, मैं वेट करता हूँ, 3 तक काउंट करूंगा, आप सभी लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर देना। 1, 2, 3 कर दिया सब्सक्राइब, ये लो चुम्मी। सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू वीडियो। एंड गाइस, आज किस वाली वीडियो में मैं आप सभी लोग को बताने वाला हूँ क्राफ्टिंग एंड बिल्डिंग में जो कमांड वाले सेटिंग्स होती है चैट में, उसमें कुछ ओपी कमांड्स जो कि आप सभी लोग को बिल्कुल भी पता नहीं होंगे। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को पता हो जो मेरी तरह गेम में एकदम घुसे रहते हैं दिन रात, बट हाँ मैं आप सभी लोग को ये तो बोल ही सकता हूँ कि आप में से काफी सारे लोग को इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता होगा। तो गाइस वीडियो को एकदम ध्यान से देखना एंड एकदम एंड तक देखना, क्योंकि मैं जो कमांड्स आप सभी लोग को बताने वाला हूँ वो सभी कमांड्स का आप यूज करके अपने गेम को काफी ज्यादा ईजी एंड काफी ज्यादा मजेदार भी बना सकते हो। सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू वीडियो। वीडियो शुरू होने से पहले ये रही आज के वीडियो की शॉर्ट आउट। अगर आप सभी लोगों को भी मेरे वीडियोस में शॉर्ट आउट चाहिए तो जल्दी से नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट कर दो। तो आप सभी लोग का ज्यादा टाइम वेस्ट ना किए बगैर जल्दी से आते अपने सारे के सारे कमांड्स पे, मैं जल्दी जल्दी से बताता हूं, आप सभी लोग जल्दी जल्दी से देख लो एंड वीडियो को लाइक कर देना। तो गाइस सबसे फर्स्ट कमांड जो है वो है हम लोग का क्लियर कमांड। तो इसके लिए आप सभी लोग को डालना पड़ेगा स्लैश क्लियर वो कमांड सेक्शन में, एंड इसको डालने के बाद क्या होगा कि आपके इन्वेंटरी में जो भी सामान या ब्लॉक होंगे वो सभी के सभी गायब हो जाएंगे, मतलब खत्म, टाटा गुड बाय गया। तो गाइस आप देख सकते हो मेरे सामान कचड़ा भरा हुआ इन्वेंटरी में, एंड इसके बाद सब गायब। यहाँ पे देख सकते हो 515 आइटम टोटल मैंने यहाँ पे गायब कर दिए। तो गाइस ये वाला आप सभी लोग कमांड कैसा लगा कमेंट में बता देना, एंड इसके बाद वाला कमांड बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल है, इसके बारे में आप सभी लोग को बिल्कुल भी नहीं पता होगा। तो गाइस आप सभी लोग यहाँ पे देख सकते हो कि रात का टाइम है, पूरा अंधेरा अंधेरा हो रहा है, एंड यहाँ पे मैं नीचे आता हूँ तो देख सकते हो इस रूम में पूरा लाइट ही लाइट जल रहा है, एंड यहाँ पे मैंने कुछ टॉर्चेस वगैरह भी नहीं लगा के रखे हैं। तो आप सभी लोग यही सोच रहे होंगे कि गाइस यहाँ पे लाइट कैसे आ रहा है जबकि मैंने कोई टॉर्च ही नहीं लगा रहे हैं, एंड ऊपर से मैंने लाइट जो आता है वो ब्लॉक कर दिया, फिर भी देख सकते हो कितना ज्यादा चमक रहा है, पूरा रूम एकदम लाइट भरा हुआ है। तो गाइस इसका जो सेटिंग्स है वो मैं आप सभी लोग को बता देता हूँ, ये भी एक कमांड की वजह से किया है मैंने, इसके बारे में बहुत ही ज्यादा कम लोगों को पता है लेकिन। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो मैं आ चुका हूँ अपने कमांड डालने वाले जगह में चैट बॉक्स में, एंड यहाँ पे जाके मैं टाइप कर देता हूँ स्लैश के बाद आप सभी लोग को गिव उसके बाद @s लिखना है, एंड उसके बाद लिख देना लाइट स्पेस ब्लॉक। ये आप सभी लोग टाइप करके एंटर करोगे उसके बाद आप सभी लोग को एक इन्वेंट्री में मिल जाएगा लाइट ब्लॉक, ये सब देख सकते हो। एंड ये वाला लाइट ब्लॉक का एक और सीक्रेट भी है, आप सभी लोग इसको कहीं पे भी प्लेस कर सकते हो, एंड कहीं पे भी प्लेस करने के बाद इस पे आप सभी लोग टैप करोगे तो इसका लाइट जो है वो इंक्रीज होता रहेगा, टोटल 15 टाइम तक कर सकते हो, एंड 15 से ज्यादा करोगे तो वो वापस से जीरो हो जाएगा, आप सभी लोग देख सकते हो यहाँ पे। एंड ये जो है वो ब्लॉक का सबसे खास बात ये है कि जब तक आपके हाथ में ये वाला ब्लॉक है तब तक ही आप सभी लोग को ये वाला ब्लॉक दिखेगा कि ये वहाँ पे लगा हुआ है, अगर आप सभी लोग इसको हाथ से देखो हटाओगे तो आप सभी लोग को कहीं पे भी ये नहीं देखने को मिलेगा, एंड उसके बाद जब आप सभी लोग वापस हाथ में इसको पकड़ोगे तो गाइस ये आप सभी लोग को वापस शो होने लगेगा। तो गाइस आप सभी लोग को कैसा लगा ये वाला बताना मुझे जरूर से कमांड। तो गाइस अब आते हैं हम सब लोग अपने नेक्स्ट वाले कमांड के ऊपर, ये वाला कमांड आप में से काफी सारे लोग को पता होगा क्योंकि गाइस ये वाला कमांड मैंने अपने पिछले वीडियो में बता दिया था। इस वाला कमांड में आप सभी लोग को स्लैश लोकेट और उसके बाद जो भी चीज आपको चाहिए रहता है जगह वो आप सभी लोग को डालना पड़ता है। तो गाइस यहाँ पे मैंने डाल दिया एंड विलेज का यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स मुझे शो कर गया, एंड उसके बाद क्या है कि मैं यहाँ पे टेलीपोर्ट करने वाला हूँ। तो टेलीपोर्ट करने का भी कमांड आप सभी लोग को पता ही होगा, /TP एंड TP के बाद कोऑर्डिनेट्स, बट इस कोऑर्डिनेट्स क्या था वो तो मैं भूल ही गया, एक नंबर का भुलक्कड़ बन गया हूँ मैं आजकल, पता नहीं क्या हो गया। तो एक बार रुक जाओ, वापस से कोऑर्डिनेट को मैं चेक कर लेता हूँ, एंड चेक करने के बाद वापस से डाल लेता हूँ। तो कहते यहाँ पे मैंने कोऑर्डिनेट तो देख लिया है, एंड चलो वापस से कोऑर्डिनेट में डालता हूँ। कमांड सेक्शन में गया उसके बाद स्लैश उसके बाद TP, आप सभी लोग अच्छे से देख लो, अगर आप सभी लोग को नहीं पता होगा तो मैं इसीलिए इतना डिटेल में बता रहा हूँ, नहीं तो मैं चाहता तो जल्दी जल्दी बताकर खत्म कर सकता था वीडियो बट उसमें मजा नहीं आता। तो कहते यहाँ पे अपना कमांड डाल दिया मैंने /TP -729 /65 उसके बाद /295। सब आप सभी लोग भी बीच वाला जो है उसको 65 डाल सकते हो, उतने में सही जगह पे स्पॉन आ जाता है, अगर ज्यादा डालोगे तो ऊपर चले जाओगे, एंड हो सकता है कभी कभी माउंटेन वाले एरिया हो तो आप सभी लोग पहाड़ के बीच में आ जाओ। एंड गाइस यहाँ देख सकते हो कि मैं विलेज के एकदम सेंटर में यहाँ पे टेलीपोर्ट हो चुका हूँ। अब मैं आपको सबसे मतलब एक और कमांड बताता हूँ जो कि आप में से काफी सारे लोग को पता होगा बट गाइस ये काफी ज्यादा यूजफुल भी है। सोचो कि मैं स्टार्टिंग वाले वर्ल्ड में जहाँ पे स्पॉन हुआ था मैं वहाँ पे मेरा स्पॉन पॉइंट है, फिर मैं बहुत मेहनत करके ढूंढता हूँ एक विलेज को, एंड विलेज में मैं मर जाता हूँ तो वापस मैं शुरू वाले जगह पे ही स्पॉन हो जाऊंगा। इसके लिए ये वाला कमांड है जिससे आप सभी लोग जहाँ पे भी हो वहाँ पे चाहो अपना स्पॉन पॉइंट सेट कर सकते हो,
उसके लिए बस आप सभी लोग को यहाँ पे सेट स्पॉन, इसी के बाद मतलब सॉरी ये कमांड गलत बोल दिया, सेट वर्ल्ड स्पॉन आपको बस लिखना है कमांड में एंड फिर आप सभी लोग का ये स्पॉन पॉइंट जो है वो हो जाएगा सेट। एंड इसको चेक करने के लिए आप सभी लोग ये काम कर सकते हो, मतलब काम क्या कर सकते हो आप सभी लोग, मैं आप सभी लोग को चेक करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं सिंपली चले जाता हूँ आसमान की ऊंचाइयों में एंड वहाँ पे जा करके अपना गेम का वीडियो सेक्शन में चला जाता हूँ फर्स्ट पर्सन में एंड उसके बाद चला जाता हूँ गेम मोड सर्वाइवल में। एंड ये देखो मैं नीचे गिर गया आसमान की ऊंचाइयों से और ये मैं खत्म, टाटा गुड बाय। यहाँ पे देख सकते हो कि मैं विलेज के अंदर ही स्पॉन हुआ। तो गाइज आप सभी लोग को कैसा लगा ये सारे वाले कमांड्स आप सभी लोग बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। एंड हाँ गाइज आपको सबसे अच्छा चीज़ मतलब कोई नया कमांड जाने होगा तो वो भी बता देना, आपको कौन कौन सा कमांड के बारे में पता था वो भी मुझे ज़रूर से बता देना। एंड गाइज आप सभी लोग को ये वाला वीडियो कैसा लगा वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता देना। एंड मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलना, 100 फॉलोअर्स पे मैं एक बहुत ही ओपी सीरीज चालू करने वाला हूँ तो ज़रूर से फॉलो कर देना। इस वाले वीडियो में बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो खत्म, भागो यहाँ से।